चलिए आपको बता दें कि सबसे विद्यार्थी के क्लास 12th में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है वो एक्सप्लेनेशन में होता है ना। एक्सप्लेनेशन बनाने में क्या दिक्कत होता है कि विद्यार्थी उस समझ ही नहीं पाता कि बनाना कैसे है। ये प्रश्न देखा है ना, और लिखना शुरू कर दिया, कुछ कुछ लिख देता है भाई, है ना। जो तनी पढ़ा रहा उसको ट्रिक बना के लिखिएगा तब ना पूरा नंबर देगा। आप क्या करते हैं उसको ट्रिक बना के नहीं लिखते हैं, मात्र आप क्या करते हैं जो आपको आया तनी सा भाषा याद किए हुए हैं वही लिख देते हैं, आपको 1 से 2 नंबर देके छोड़ देता है। आपको 50 से 50 मार्क्स मिल नहीं पाता है। आपको उसी बात बताते हैं, इस टॉपिक का इस वीडियो को देखने के बाद आपको 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरफ देखिए हमें क्या बनाया है, ट्रिक बनाया है। और इस तरफ देखिए जो आज का गेस क्वेश्चन हमने दिया है, आपको बता दें कि एक्सप्लेनेशन 2024 में इधर से 8 यानी इधर यानी 15+ हमने गेस लिया है ना, प्रोज और पोएट्री मिला के 15+ गेस क्वेश्चन लिया है। आपको बता देते हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो भी पूरा वीडियो देखिएगा, आप साइंस के स्टूडेंट है तो भी पूरा वीडियो देखिएगा। आपको ट्रिक भी मिलेगा, आपको ट्रिक मिलेगा ऐसा कि 4 के 4 नंबर देके जाएगा, है ना। आपको ट्रिक मिलेगा ऐसा कि मन रह जाएगा आपका बिल्कुल जैसा, है ना, एकदम मन जोकर जैसा, बिल्कुल ट्रिक मिलेगा वैसा, ठीक है। तो देखिए आपको है ना, इधर से गेस क्वेश्चन उठाया, इधर भी गेस क्वेश्चन उठाया और उसका उसके बाद ट्रिक दे दिया है। समझाने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा गेस क्वेश्चन, उसके बाद ट्रिक पर कैसे बैठाएंगे, वो सारा इस वीडियो में देखिएगा आप, है ना। जिस तरह से हिंदी का व्याख्या दिए थे उस तरह से इसका भी व्याख्या देते हैं, और एक और हिंदी का व्याख्या देने वाले गेस प्लस गेस के साथ। चलिए इसे शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए कहते हैं एक्सप्रेशन ट्रिक, है ना। तो एक्सप्रेशन ट्रिक देखिए उधर, और इसे दीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोज यानी एक्सप्लेनेशन प्रोज। सुनिए इस प्रोज में कौन सा प्रोज कैसे है, और सबसे ज्यादा समस्या ये होता है कि आपको 2 पार्ट में देता है, एक प्रोज और एक पोएट्री। प्रोज में 4 होते हैं जिसमें आपको 1 सॉल्व करना होता है, और पोएट्री में भी 4 रहते हैं जिसमें 1 सॉल्व करना होता है। आप तो प्रोज का समझ, पोएट्री का तो मोटामोटी समझ ही जाते हैं, लेकिन प्रोज का तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो कैसे चूज करें, उसको कैसे पकड़ने का तरीका समझें, है ना। तो हमने पोएट्री का एक तरीका दिया है, आपको पता नहीं है तरीका तो वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा उसको, है ना, उसका तरीका। उसके बाद प्रोज का और पोएट्री का दोनों का हमने गेस क्वेश्चन चूज किया है, गेस, है ना। वो गेस क्वेश्चन देख लीजिए, आपको संभावित प्रश्न यही से रहेंगे, ठीक है, और इसका ट्रिक भी साथ देख लीजिए। चलिए से शुरू करते हैं बिना समय इन्वेस्ट किए हुए। उस बार समस्या होता है, उस समस्या को दूर करने के लिए, उस समस्या को बिल्कुल समस्या को दूर करने के लिए हमें ट्रिक बनाया। ट्रिक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कितना गेस क्वेश्चन वो पढ़ देंगे, पहले ट्रिक पढ़ते हैं। देखिए कहते हैं एक्सप्लेनेशन ट्रिक, है ना। इस क्वेश्चन को आपको चूज करके बैठाना कैसे हो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा। ट्रिक क्या है, द गिवन लाइन हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम, द गिवन लाइन हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रेनबो, है ना। इट यानी हमारे पाठ्य पुस्तक, है ना, रेनबो। इट इज फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम के बाद क्या लिखना है, कथी के नाम लिखना है, समझाएंगे आपको, है ना। फ्रॉम के बाद क्या लिखना है, रिटेन बाय डॉट, उसके बाद क्या लिखना है, इन दिस एक्सट्रैक्ट द राइटर द पोएट इज सेइंग दैट डॉट, उसके बाद खाली स्थान। आपको यहाँ पर उतना लिख देना है, यहाँ पर आपको बता दें नॉलेज के लिए, यहां पर वो लिखे जो पूरा मार्क्स दिला सके। आप जितना याद किए हैं या बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा आप, है ना। यहां वो लिखे जो पूरा मार्क्स आपको दिला सके, ठीक। उसके बाद क्या किया, इवेंचुअली अंततः द राइटर या द पोएट हैज अलवाइज, कब किसका इस्तेमाल करेंगे समझाएंगे आपको, है ना, ये समझाने के बाद, है ना। पोएट हैज अलवाइज अ रिकॉग्निशन ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज वर्ड्स अ वेरी इफिशियंट वे, ही ऑब्लिंग सी इज अलवाइज वेरी विद इन एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स, द हैज अ रिमार्केबल टोन हेयर, I also go to parallel with his words here, ठीक है। जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार क्या है, अंततः इसमें क्या कहा गया है, किस मार्मिंग विचार ढंग से इसे प्रस्तुत करते हैं कवि, है ना, सारा बात इसमें है, ठीक है। आपको समझा देते हैं, आपको उतना हिंदी जानने का जोत नहीं है, ठीक है, हिंदी उतना समझने का जोत नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है आपको इसमें कैसे पुट करना है वो समझा देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपका जो व्याख्या हम आप हिंदी में बताएंगे उसमें और इसका, ये दोनों सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। देखिए समझिए, पहले जो गेस क्वेश्चन है वो समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन जो प्रोज का है ना, प्रोज का एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। पहला जो प्रोज उठाया गया, हमने गेस किया है, मदर वॉज द वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर द फेस, है ना, विर्थेड इन द स्माइलिस,
है ना, स्माइल्स, ठीक है, स्माइल्स इन स्माइल्स, ठीक है, यानी जो किससे लिया गया, तो मदर वाज द वेटिंग, यानी इंतजार जो कर रही थी नानू काका का, वेटिंग, नानू काका का इंतजार हो रहा था, माँ जो कर रही थी लेखक की माँ, राइटर की माँ, है ना, तो यहाँ नानू काका, यानी अ पिंच ऑफ सनम से लिया गया है। द टाइप वर्ड द अप्लाइड टू द सवई वाज द इवन सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल, यानी किससे लिया गया, सवई आ गया ना, सवई आ गया, तो द आर्टिस्ट जो जिसके राइटर है सीगन होइया, है ना, सीगन होइया जिसके राइटर है, वहां से लिया गया दूसरा पोएम। आपको पहला दूसरा जो भी आपको बता रहे हैं उससे ही आपको, और वही हो सकता है कि आपको इसमें से जो आठ चूज किया गया है, यानी 15 प्लस चूज किया गया है, उसी में से आपको मिल जाए, यानी एक प्रोज में भी मिल जाए और एक पोएट्री में मिल जाए, तो आपको क्या करना है, एजटीज उतारना पड़ेगा सिर्फ, है ना, तो दो तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए तब तो जाके बनाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए तब तो इसे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद द पास्ट इज नॉट डेड एंड द स्टैटिक, है ना, इट्स इट इज या इट्स कर दीजिए अलाइव द डायनेमिक, है ना, ये जो है भारत इज माई होम से है, किसका है, किससे लिया गया, भारत इज माई होम से, जिसके राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है, है ना। फ्री एट द लास्ट, फ्री एट द लास्ट, है ना, थैंक गॉड ऑलमाइटली, है ना, ऑलमाइटी, वी आर फ्रीस्ट, यानी फ्रीट, फ्रीट, है ना, फ्रीट लास्ट, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, है ना, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड, है ना, ऑलमाइटी, ठीक है, ऑल माइट, वी आर फ्री एट लास्ट, ये किससे लिया गया है, तो आई हैव अ ड्रीम से लिखा गया है, लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जियार है, ठीक है। उसके बाद व्हेन ही द व्हेन एट गॉन द स्टूड अलोन ऑन द पेवमेंट लुकिंग द ग्राउंड्स, है ना, ग्राउंड्स, ग्राउंड, ग्राउंड, है ना, इन किससे लिया गया, तो द अर्थ से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, एच ई बिट्स है, क्या है, एच ई बिट्स है। देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज अ नो डाउट सुटेबल, है ना, सुटेड फॉर द यूरोपियन, यानी यूरोप्स है, यूरोपियंस, यूरोपियंस है, यूरोपियंस, बट इट विल द मींस रून फॉर द इंडिया इफ विल, है ना, एंड एवर द कॉपी इट, टू कॉपी इट, है ना, एंड द एवर आवर, है ना, टू कॉपी इट, यानी किससे लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी है, कौन है, महात्मा गांधी। अगला है, ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट किसमें बात किया गया था, द अर्थ में बात किया गया था, आपको याद होगा स्टॉक मार्केट में बात किसमें किया गया है, द अर्थ में, एच ई बिट्स इनके राइटर है, बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द हैंड, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, एट एट ग्रेचुअली हिज, है ना, ग्रेचुअली हिज फादर हैंड हैड बिगेन द स्कॉल्ड हिम द हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, फिर से रिटर्न करते हैं इसको, येट यानी ग्रेचुअली हिज द फादर हैड बिगेन टू एस्कॉर्ट, यानी एस्कॉल्ड, एस्कॉल्ड था हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर, इसको रिटर्न किया गया है, तो किससे है, द अर्थ से लिया गया है, और इसके राइटर कौन है, एच ई बिट्स है, एच ई बिट्स है, ठीक है। ये आपको आठ है, इसको कैसे सेट कीजिएगा ऊपर बता देते हैं, उसके बाद प्रोज को पढ़ के बता देंगे आपको। देखिए सुनिए, इसको कहिएगा द, मैंने पहला है, पहला हम उठा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, पहला है, अ पिंच ऑफ सन आपको उठा रहे हैं, तो द गिवन लाइंस हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रेनबो, इट इज फ्रॉम अ पिंच ऑफ सन अप, किसे लिया गया, तो पिंच ऑफ सन अप से लिया गया, रिटेन बाय और मनोहर मालगोंकर, ठीक है। उसके बाद यहां से पैराग्राफ चेंज कर दिया, इन दिस एक्सट्रैक्ट द राइटर, यहां द पोएट में दीजिएगा, राइटर, द राइटर इज सेइंग दैट, ये हट गया, इज सेइंग दैट, अब उसके बाद इसका जो कहता है कि मदर उसमें क्या कहा था, उसके बाद राइटर का वो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बोला गया था वो आप थोड़ा सा एड कर दीजिएगा, चार या पांच लाइन में लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इवेंचुअली, उसके बाद कुछ नहीं, बस उतना ही जो आप याद किए हैं, चार से पांच लाइन वो बीच में घुसा देना, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, सारा काम ये आपका फॉर्मेट करके दे देगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, ये फॉर्मेट आपको करके दे देगा सारा काम, ठीक। इवेंचुअली द राइटर, है ना, इवेंचुअली द राइटर, बस हो गया, यहाँ से द पोएट यूज मत कीजिएगा, हैज अलवाइज आर रिकग्निशन, रिकग्निशन ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज वर्ड्स इन अ वेरी इफिशियंट वे, ही सी यहाँ यूज नहीं करेंगे, कमला दास रहता तो सी यूज करते, कमला दास जो आती तो यहाँ पर जो लेडी या राइटर आती तो यहाँ पर हम सी यूज करते, नहीं तो ही यूज करेंगे। ही इज अलवाइज वेरी विद इन द एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स, ही हैज अ रिमार्केबल टोन हेयर, आई ऑल्सो गो टू पैरेलल विथ हिज वर्ड्स हेयर, समझ आ गया आपको, किस तरह से यूज करना है इसको, किस फॉर्मेट को कैसे बनाना है, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा होगा समझ में तो आपको इसका भी दूसरा भी तरीका आपको देखना, ठीक है, रुक जाइए, वेट कीजिएगा।
आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड माई सेल्फ, है ना, एंड वॉट आई अज्यूम यू सेल अज्यूम, सेल अज्यूम हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। ये तो लिया गया द इपिथाप से, द इपिथाप से लिया गया, जिसके राइटर कौन है, वाल्टर डीला मरे ना, द इपिथाप का राइटर कौन है, वाल्टर डीला मरे, हमने ट्रिक ही बनाया है इसका, वाल्टर डीला मरे। अच्छा पहला वाला आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया वो, ठीक है। अगला है हुज वाइट वाटरफॉल, वाटरफॉल की बात हो रहा है, कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी द नाउ द लिविंग आर फेलिंग फास्ट लिया गया है, जिनके राइटर कौन है, डब्ल्यू एच ऑडिन है, डब्ल्यू एच ऑडिन है। एंड एंड व्हेन आई, एंड व्हेन आई क्रम्बल यू विल रिमेंबर, रिमेंबर रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, है ना, लेडी की बात हो रहा है, वेस्ट कंट्री की बात हो रहा है, तो एनपिथाप का बात होगा, जिनके राइटर कौन है, वाल्टर डीला मरे साहब है ना, वाल्टर डीला मरे साहब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है ना, जो फाइव नंबर है, फोर्थ हो गया ना, फाइव नंबर, देयर इज द हाउस, नाउ हाउस, हाउस की बात आ गया, माय ग्रैंड मदर हाउस, हाउस की बात उसी में है, नाउ द फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, यानी लव और लव का बात तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में है, लेकिन लव का अलग भाषा उसमें होता था, सॉरी मतलब पहला वाला चैप्टर जो स्वीटेस्ट लव डू आई नॉट गो उसमें भी है, लेकिन लव का भाषा यहाँ कमला दास में आ गया, है ना, जो यानी कमला दास रिटन बाय, या जो माय ग्रैंड मदर हाउस और रिटन बाय कमला दास, इससे हाउस आया, इसलिए वहां से याद आ गया कि हाउस किस में का है, तो माय ग्रैंड मदर हाउस में का है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला, नॉट इन द होप द वुड कैन सो अ फिल्टर लव ऑफ मी, अच्छा मी, यहाँ मी, मी एम ई होता है मी, लेकिन यहाँ डबल ई है, ये पहला चैप्टर में होता है, देखिएगा वहां सी एस एच डबल ई होगा, सी है ना, अगर वहां मी होगा तो एम डबल ई होगा, मी, समझ में आया है ना, जो होगा उसमें ई लगा आपको मिल जाएगा, अगर डबल ई के साथ यूज किया हो तो समझ आइएगा स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो का है, राइटर जॉन डॉन है, तो ये स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो के लिया गया, इसका राइटर जॉन डॉन है। अगला है द वॉइस ऑफ द माई, है ना, एजुकेशन सेड टू मी, सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, मस्ट बी किल्ड, तो यहां भी गौर कीजिए, यहाँ मी सिंपल मी होता है, डबल मी नहीं होता, सिंपल मी होता, ही मस्ट बी किल्ड, तो ये स्नेक का लिया गया है, स्नेक है ना, स्नेक, समझ गया, ये स्नेक का है, ठीक है। अगला जो फिर से है ना, तो वो देख लीजिए, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, है ना, ए वेयर आर दे, ये लिया गया आपको वेयर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग ऑटोमन से, ओड टू ऑटोमन का ये है, ओड टू ऑटोमन का है, थिंक नॉट ऑफ द देम म्यूजिक टू टू ओ टू ऑटोमन का लिया गया है, ठीक है, जिसके राइटर जॉन किट्स है। इस तरह से आपने देखा पूरा, अब इसका एक्सप्रेशन कैसे बैठाइएगा वो समझिए, मान लीजिए हम पहला नहीं उठाते हैं, इसका मतलब लीजिए एनपिथाप दूसरा उठा लेते हैं, तो द गिवन लाइन हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, है ना, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रेनबो, इट इज फ्रॉम एनपिथाप रिटेन बाय वाल्टर डीला मरे, इन दिस एक्सट्रैक्ट द राइटर नहीं होगा इसमें, द पोएट इज से दैट, saying that, यहाँ the poet लग जाएगा, यानी जब भी poetry की बात होगी तो the poet लगेगा, है ना, author की बात होगी writer के, तो author यानी लेखक का बात इधर से होगा तो writer का use कीजिएगा, prose का बात होगा तो writer use कीजिएगा, और poetry की बात होगी तो जो poet है वो use कीजिएगा, okay, है ना, dot dot यहाँ पर आपको वो लिखना है, यहाँ वो लिखे जो आपको पूरा marks दिला सके, जो दिल में आपको feeling है, जो आप इसको पढ़े हैं, एक साल लगातार कंटिन्यू मेहनत किए हैं, एक साल में आपने क्या पढ़ा है वो आपको यहाँ पर उतारना है, इसको चार लाइनों में, ठीक है, चार से पांच लाइन उसको देना है ना, मैक्सिमम वन पेज आप लिखिएगा, लेकिन चार नंबर का वन पेज दीजिएगा, है ना, और बन जाएगा वन पेज भाई साहब, आराम से बन जाएगा वन पेज, ठीक है ना। इवेंचुअली द राइटर, राइटर ने यूज किया, राइटर यूज कीजिएगा प्रोज वाला में, तो इवेंचुअली द पोएट हैज ऑलवेज अ रिकग्निशन ऑफ द एक्सप्रेसिंग हिज द वर्ड्स इन a very efficient way, yani he is always very vivid in this expression and words, he has a remarkable tone here, I also a parallel with his words here, is tarah se aapka ye trick pura complete ho jayega, theek hai, aapko ban jayega pura expression, aapko bilkul nahi chutega, bataiyega ye video aapko kaisa laga, acha laga to video ko share zarur kijiyega, class 12th ke liye aapko bata de 8 number aapne fix kar liya, aaj kisi bhi hal mein aapko 8 number aana hi aana hai, और आइए आएगा ही आएगा, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।